कि आपको पता है कि आज जमात इस्लामी की जानिब से एक बागे जिना में जलसे का एहतमाम किया गया है, जिसके अमीर हैं हाफिज़ नईमुल रहमान साहब। आज वो कौन सा मैसेज देना चाहेंगे कराची की आवाम के लिए, क्या चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं हाफिज़ नईमुल रहमान? कराची में एक ही नारा चल रहा है जमात इस्लामी की जानिब से कि कराची को हक दो, नौजवानों को नौकरियाँ दो, कराची की आवाम को तहफ़ इज़्ज़त और शहर को तरक्की देना चाहते हैं, शहर को रोशनियाँ फराम करना चाहते हैं। कराची की जमात इस्लामी का एक ही इनके कारकुनान का नारा है कि कराची में बल्दियाती इलेक्शन में इंशाल्लाह मेयर जो होगा वो जमात इस्लामी का होगा, वो होंगे हाफिज़ नईमुल रहमान। इमरान अजीज़, कैन 24, HD न्यूज़, कैमरामैन सिकंदर अली के साथ कराची। सिस्टर, इसके आज के मौके पर जलसे का मकासद क्या, आप क्या सोचकर आप लोग आए? हम ये सोचकर आए हैं कि कराची के मसाइल का हल सिर्फ जमात इस्लामी के पास है, तो जमात इस्लामी के इस इज्तमा को कुव्वत दी जाए और इस बात का ऐलान पूरे शहर के लिए कर दिया जाए कि अगर कराची के मसाइल हल करने हैं, अगर ख्वातीन के मसाइल हल करने हैं, अगर ट्रांसपोर्ट के, पानी के, बिजली गैस के मसाइल हल करने हैं, अगर नौजवानों को मुलाजमतें मिलनी हैं, अगर तालीम के दरवाजे खुलने हैं, तो हमें जमात इस्लामी का साथ देना होगा। सलाम, मैं ये कहूँगी कि अल्लाह और उसके रसूल से और कुरान पाक से जोड़ने वाली यही जमात है और हम बहुत गफलत में हैं, हम कब होश संभालेंगे। इस जमात की हमको पैरवी करनी चाहिए और इस जमात की तरफ हमको इसका साथ देना चाहिए और तमाम ख्वातीन के लिए ये बेहतरीन काम करने वाली जमात इस्लामी जिंदाबाद। मैं ये कहना चाहूँगी कि कराची के मसाइल दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, इस वक्त मैं ये मुतालबा करूँगी कि इस इलेक्शन को सिलेक्शन ना बनाया जाए, शफाफ इलेक्शन को मुमकिन बनाया जाए और हम जमात इस्लामी के ये जो आज जमा हुई है आवाम, ये इस बात का ऐलान करिए कि अब कोई साजिश की गई और जमात इस्लामी का रास्ता रोका गया तो फिर आवाम उनको माफ़ नहीं करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। उभरते हुए जज्बात जमात इस्लामी के लिए ख़वातीन में मौजूद हैं और आज जो है यहाँ पर बागे जिना में जिस तरह से जलसा गाह से अभी हाफिज़ नईमुल रहमान साहब खिताब करेंगे, हम आपकी बात करवाते हैं मजीद यहाँ की और ख़वातीन से। आइए नाजरीन, हाफिज़ नईम साहब जो है वो कराची के हक़ के लिए निकले हैं, कराची के हकूक़ के लिए निकले, क्योंकि हमारे कराची में जो है पानी का मसला, सेवरेज का मसला, सड़कें टूटी हैं, हमारी हेल्थ का मसला, एजुकेशन नहीं है और कहीं स्कूल्स में जो है वो टीचर्स हैं तो तलबा नहीं है, तलबा है तो टीचर नहीं है, सारा निज़ाम दरवन बरहम हुआ है, कोई हमारे सरबराही करने वाला नहीं है। लेकिन हाफिज़ नईम साहब हैं, हम उनको ये देख रहे हैं मुस्तकबिल में कि आगे चल के जो है हम ये देख रहे हैं कि ये हमारे लिए कुछ करेंगे। ज़ालिमाना और जाबराना दौर ने जो चीज़ पैदा की थी वो ये कि कराची के आवाम नाउम्मीद हो गए थे, उनका ख्याल ये था कि अब कराची में जो मसाइल हैं इनको हल करने वाला कोई नहीं है, वो के इलेक्ट्रिक माफिया हो, वाटर बोर्ड माफिया हो, बिल्डर माफिया हो, नादरा के मसाइल हो, बैरियर टाउन हो या कोई भी मसला हो, जहाँ पर लोगों के साथ लूटमार की जा रही थी, जुल्म किया जा रहा था, जबर किया जा रहा था, लोगों के अंदर एक नाउम्मीदी पैदा हो गई थी, कराची के अवाम का ख्याल ये था कि अब कराची को कोई ठीक करने वाला नहीं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस 5-6 साल के दौर में हाफिज़ नईमुल रहमान साहब की क़यादत में जिस तरीके से जमात इस्लामी ने मुहिम चलाई है, जिस तरह लोगों के मसाइल हल होने शुरू हुए, कराची के आवाम की आंखों में उम्मीद की एक किरण पैदा हुई, एक ही बजाय कराची की आवाम की आवाज को उठा रहा है, कराची का एक ही सहारा है, कराची की एक ही उम्मीद है, वो हाफिज़ नईमुल रहमान है। आपके पास मौका है, हाफिज़ नईमुल रहमान को लाइए, कराची के मसाइल हल करते जाइए, ये बात हम दावे नहीं करते। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं जमात इस्लामी के मैन जो है कि स्टेज के ऊपर और हम आपको मेरे आपको बैक साइड पे पब्लिक नज़र आ रही होगी जमात इस्लामी की जानिब से कि जिस तरह से जमात इस्लामी ने आज 8 जनवरी को यहां पर एक जलसे का इनेकाद किया है, ये हाफिज़ नईमुल रहमान जो अमीर हैं जमात इस्लामी के, उनका ये एक नारा है
कि हम कराची के हक के लिए ये जंग लड़ रहे हैं, कराची के हक के लिए हम बात कर रहे हैं, कराची की खुशहाली के लिए, कराची की तरक्की के लिए हम बात कर रहे हैं। मज़ीद हम आपकी बात करवाते हैं कि यहाँ के जो मेहमान ग्रामी हैं उनसे हम बात करने की कोशिश करें। जी नाज़रीन, इस वक्त अब मौजूद हैं मेन स्टेज पर, जहाँ पर आज हमारे साथ मौजूद हैं नवेद बेग साहब, जिनका ताल्लुक जो है अलखिदमत हॉस्पिटल से है माशाल्लाह से। हम इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। सर बताएंगे आज के हवाले से कि जिस तरह से आज जमात इस्लामी ने एक बहुत बड़ा अहम इकदाम लिया है कराची के हक के लिए, आज जलसा किया जा रहा है बल्दियाती इलेक्शन से पहले, तो इसका मकासद क्या है? देखिए कराची की जो सूरत हाल खास तौर पे गुज़िश्ता 30-35 साल से है और पीपल्स पार्टी की हुकूमत मुसलसल ये 15वें बरस में जारी है, उसने कराची का हाल ख़राब कर दिया है और ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं है। किसी आम आदमी को उठा करके पूछ लीजिए कि कराची का क्या हाल हुआ है। ऐसे में हाफिज़ नईमुर रहमान ने जमात इस्लामी के प्लेटफॉर्म से हक दो कराची की तहरीक शुरू करी और एक भरपूर मुहिम चलाई है पिछले 1-2 साल से। कामयाब उसकी इतनी भरपूर पजीराई अवामी सतह पे हमें मिली है कि उससे पीपल्स पार्टी और दीगर तमाम सियासी जमातें घबरा गई और परेशान हो गई, लिहाजा 3 दफ़ा बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी करे गए। लिहाजा जमात इस्लामी जो है और हाफिज़ नईमुर रहमान वो इलेक्शन कमीशन में भी गए, सुप्रीम कोर्ट में भी गए, हाई कोर्ट में भी गए, अब बिलाखिर तमाम इन इदारों ने फैसला दिया कि इलेक्शन 15 जनवरी को ही होंगे। अदा बेहतरीन रहनुमा जिससे अवाम को उम्मीदें वाबस्ता हैं वो हाफिज़ नईमुर रहमान साहब हैं। बहुत शुक्रिया आपका। नवेद बेग साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उन्होंने तमाम सूरत हाल से आगाही की और बताया। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं सैफुद्दीन साहब जो कि जमात इस्लामी की एक क़यादत है, एक मशहूर मारूफ शख्सियत हैं। हम उनसे भी जानेंगे कि आज जो इस जलसे का जो मकासद है वो क्या है और क्या चाहती है जमात इस्लामी कराची की आवाम के लिए। अस्सलाम वालेकुम सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए 20 साल से यहाँ शहर में पीपल्स पार्टी और MQM की हुकूमतें कायम हैं, उनका राज कायम है, सारे वसाइल और अख्तियारात उनके हाथ में हैं, उसके बावजूद कराची जिस हाल को पहुँच चुका है वो सारे लोग देख रहे हैं। इस सूरत हाल में जो एक उम्मीद की किरण नज़र आती है वो हाफिज़ नईमुर रहमान हैं और उसकी वजह ये है कि जमात इस्लामी इससे पहले जब भी कराची में बल्दिया के अंदर रही है, KMC के अंदर रही है, तो उसने काम करके दिखाया है। लोग जानते हैं कि जमात इस्लामी एक दयानतदार जमात है, बासलाहियत लोगों को आगे लेकर आती है, नेमतुल्ला खान साहब हो या अब्दुलसत्तार अफगानी, उन्होंने काम करके दिखाया है। एक दौर था जिसमें लोग धोखे में आए, बहकाए में आए, तासुब की रौ में बहे, लेकिन अब जब पानी सर से गुजर चुका है तो अल्हम्दुलिल्लाह कराची के लोग पहचान चुके हैं और इंतखाबात से कितने ही भागे, अब कराची के लोगों को इस बात का अंदाज़ा है कि उनके पास हाफिज़ नईमुर रहमान की सूरत में मेयर और जमात इस्लामी कराची की बल्दिया, इसके अलावा कोई और हल मौजूद नहीं है कराची को आगे बढ़ाने का और चलाने का। अच्छा आप ये बताएंगे जिस तरह से अभी 3 धड़े आपस में मिलने की कोशिश में हैं और वो मेरे ख्याल में उनका तय भी पा लिया है, पाक सरजमीन पार्टी, MQM पाकिस्तान, इसके अलावा फारूक सत्तार वाली कमेटी और अभी आफाक अहमद साहब का भी कुछ चल रहा है सिलसिला के वो भी, तो ये तमाम इनकी क्या नाम है एक सियासी एक वो बन रही है मतलब एक जगह पे एक प्लेटफॉर्म पे आना चाह रहे हैं वो और आ चुके हैं मैं समझता हूँ, तो क्या आपकी जमात पर कोई फ़र्क पड़ेगा इस चीज़ से? देखिए अव्वल तो ये सूरत हाल है कि ये सारे जो एक दूसरे से अलहदा हुए थे क्यों अलहदा हुए थे और एक दूसरे का इस कदर खून क्यों बहाया था, अगर इनके दरमियान कोई कदर मुत्तफिक थी तो इन्होंने सैकड़ों नौजवानों का आपस में एक दूसरे का खून बहाया बाहर के। अब जबकि इनके पाँव तले से ज़मीन निकल चुकी है और लोग इनको बिल्कुल मुस्तरद कर चुके हैं, गली मोहल्लों में लोग इनसे नफरत करते हैं, अब उसके बाद ये मुत्तहिद होने की कोशिश कर रहे हैं, अगर होना ही तो हो जाए लेकिन अच्छा है मुत्तहिद हो जाएंगे तो मैं समझता हूँ कि एक ही दफ़ा में इनका काम तमाम हो जाएगा। इनका अलग अलग रहना मेरे ख्याल में ज़्यादा नुकसानदेह है, इनका मुत्तहिद हो जाना और कराची के अवाम का इस पूरी मुत्तहिदा को जो इस जॉइंट प्लेटफॉर्म की सूरत बनेगी उसको मुस्तरद करना, इसका इजहार होगा कि एक ही दफ़े से इनका काम कराची से तमाम हो जाए और ये मुस्तरद कर दिए जाए बिल्कुल बुरी तरीके से। जमात इस्लामी को इसका अल्हम्दुलिल्लाह कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये मुत्तहिद हो कोई और भी इनके साथ मुत्तहिद हो जाए तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इस वक्त भी मुत्तहिदा और पीपल्स पार्टी मुत्तहिद हैं लेकिन उसके बावजूद कराची के लोग जो हैं वो इस बात पर मुत्तफिक हैं कि जमात इस्लामी को हमें इस कराची में लेकर आना है।
बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ हैं नजीब अय्यूबी साहब, जो कि हमें बताएंगे आज के जलसे के हवाले से कि जलसे का आज का मकासद क्या है और ये जलसा जो है कराची की आवाम को क्या देने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कराची की आवाम, देखिए आज हम जिससे भी बात करते हैं बिजली के हवाले से, वो कहते हैं बिजली नहीं है। गैस के हवाले से बात करते हैं, कहते गैस नहीं है। पानी के हवाले से कहते पानी नहीं है। सीवरेज का मसला है तो वो लाइनें चौक हैं। तो ये आखिर जो पूरे पाकिस्तान को शहर चला रहा है, उस शहर के ऊपर ये बर्बादी के साए क्यों हैं? ये हमारे पास ट्रांसपोर्ट क्यों नहीं है? हमारी बच्चियां चिंची पे क्यों सफ़र करने पे मजबूर हैं? तो कत्लो गारत गिरी, यानी अगर एक महीने में कोई 32 के करीब नौजवान और ख़वातीन यहाँ पर मार दिए जाएँ महज मोबाइल के चक्कर में, तो आप बताएं कि ये कितना बड़ा अलमिया है। तो ये गुज़िश्ता 30 साल की महरूमियों के नतीजे में आज अमीर जमात इस्लामी कराची के हवाले से एक अहम लाए अमल का ऐलान करने वाले हैं।